नव स्टार्ट केमिस्ट्री तो हम स्टार्ट करेंगे कल जो मैंने बताया था विलियमसन एनसीईआरटी निकालना विलियमसन सिंथेसिस तो ईथर बनाने का जो दूसरा प्रोसेस था विलियमसन सिंथेसिस तो राइट डाउन करना ध्यान से देखना इसको विलियमसन सिंथेसिस में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ध्यान से देखना। मान लो हमने अल्कोहल ले लिया और अल्कोहल में हमने ले लिया मान लो CH3, CH2 और OH ले लिया। अब इसका रिएक्शन हमने पहले NaOH से करवाया तो ये हाइड्रोजन हट जाएगा और इसके जगह पे सोडियम लग जाएगा तो CH3, CH2 और O-Na+ सोडियम इथेन ऑक्साइड एल्को ऑक्साइड बोला था ना मैंने एल्को ऑक्साइड तो जनरलाइज्ड टर्म है तो एल्को की जगह पे क्या लिखेंगे इथोक्साइड। तो ये हमने बना दिया। अब बनाने के बाद अब इसका अटैकिंग CH3 और यहां BR हमने लिखा RX। ध्यान देना ये जो है माइनस वाला पार्ट है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल तो यहां पार्शियल पॉजिटिव है और यहां पार्शियल जैसे SN2 करवाते थे ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वैसा ही है। दिस वन विल बी न्यूक्लियोफाइल और दिस वन विल बी इलेक्ट्रोफाइल तो यहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अब ये SN2 को फॉलो होता है ये न्यूक्लियोफाइल अगर मान लो ये है CH3+ ये चला गया तो ये तो स्टेबल बनता नहीं है तो SN1 होगा नहीं क्योंकि ये इसमें स्टेबल है नहीं तो यहाँ इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन तो बनेगा नहीं क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा SN2 तो विलियमसन सिंथेसिस में SN2 फॉलो होता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पार्शियल पॉजिटिव पे क्या करेगा अटैक मारेगा और नहीं तो ऐसे भी सोच सकते हो कि ये नॉन मेटल है और Na+ है तो ये मेटल और नॉन मेटल मिलके बाहर निकल जाते हैं या ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक मारता है तो जब ये अटैक मारेगा तो CH3 CH2 और O और यहां से अगर अटैक मारेगा तो CH3 बनेगा और BR रिमूव हो जाएगा तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये हमें ईथर बन गया तो ये अनसिमेट्रिक ईथर है तो हम विलियमसन से सिमेट्रिक भी बना सकते हैं और अनसिमेट्रिक भी बना सकते हैं तो ये इथाइल मिथाइल ईथर ये क्लियर हो गया। अभी लिखना नहीं है ध्यान से भी देखो। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं हम अल्कोहल के जगह पे फिनॉल लेते हैं। अब इस फिनॉल का रिएक्शन हम बेस के साथ करवाते हैं तो ये बनता है सोडियम फिनोऑक्साइड ONA बनता है ना सोडियम फिनोऑक्साइड तो ये जो पार्ट है सोडियम फिनोऑक्साइड का O- वो एज ए न्यूक्लियोफाइल ट्रीट होगा तो दिस वन विल बी एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब हम इसका अटैकिंग सोचेंगे CH3 BR के ऊपर
तो ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल निगेटिव है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पे क्या मारेगा? अटैक। और इसका मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा? SN2। तो न्यूक्लियोफिलिक और ये इलेक्ट्रोफिलिक, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जब इस पर अटैक मारेगा तो ये हो जाएगा O और ये जुड़ जाएगा इसके साथ, ये इस पर अटैक मारेगा। तो एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक हम सोच रहे हैं, ये बन जाएगा एनी। तो ये तो हमने रिएक्शन में, अब इसको हम इस टर्म को जनरलाइज कर दे रहे हैं। तो ये क्या है? अल्कोहल है। दिस वन विल बी अल्कोहल, दिस वन विल बी अल्कोहल। और यहां पर ये क्या है? एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड है। यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है, RX, यहाँ पर RX है और यहाँ पर ROH है। इसका यूज इसमें कराएंगे, यानी अल्कोहल का रिएक्शन अगर एल्काइल हैलाइड से कराया जाए तो क्या बनेगा? ईथर बनेगा। तो इसको मैं जनरलाइज कर दूं तो यहां से भी रिएक्शन को प्रोसीड किया जा सकता है, यानी सोडियम एल्कोऑक्साइड से भी प्रोसीड किया जा सकता है। और NCERT में यहीं से लिखा हुआ है, तो यहां से कैसे लिखेंगे? RONA, दिस वन विल बी सोडियम एल्कोऑक्साइड, सोडियम एल्कोऑक्साइड। तो रिएक्शन को अल्कोहल से यहां बनाने का स्टेप दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है। तो यहां से एल्कोऑक्साइड बना दिया है, यहीं से रिएक्शन स्टार्ट करें। इस एल्कोऑक्साइड का रिएक्शन किससे हुआ है? RX से हुआ है। किससे हुआ है? RX, यानी एल्काइल, एल्काइल हैलाइड से हुआ है। तो ये कैसा ट्रीट होगा? SN2। अब फाइनल क्या बन गया हमारा? R O और ये क्या हो जाएगा? R और NaX बन के बाहर निकल जाएगा। तो यहां से हमें ईथर मिल गया। सिमेट्रिक भी बन सकता है, अगर ये डिफरेंट रहा तो असिमेट्रिक भी बन सकता है। तो हियर सिमेट्रिक एज वेल एज असिमेट्रिक बोथ विल फॉर्म। अब यहां पर सोडियम एल्कोऑक्साइड के जगह पे सोडियम फिनोऑक्साइड भी लिया जा सकता है, सोडियम फिनोऑक्साइड भी चलेगा। सोडियम फिनोऑक्साइड रिएक्शन का मैकेनिज्म कौन सा होगा? SN2। तो रिएक्शन का मैकेनिज्म हो जाएगा SN2। तो ये विलियमसन सिंथेसिस का, हमने एक हमने अल्कोहल लिया और एक हमने फिनोल लिया, या हमने एक हमने सोडियम एल्कोऑक्साइड लिया और एक हमने फिनोऑक्साइड लिया। तो ये जनरलाइज करके मैं लिखा हूं, इसका रिएक्शन हमने किसके साथ सोच रहे हैं? आरएक्स के साथ। और ये न्यूक्लियोफाइल इस पे क्या करेगा? अटैक मारेगा। तो ये क्लोरीन एक्स बाहर निकल जाएगा और ये आर ओ आर बन जाएगा, ईथर बनता है। तो विलियमसन सिंथेसिस इज ए नेम रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म ध्यान में रखने का, और मैकेनिज्म SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉलो होता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, लिख लिए। तो एक रिंग के साथ बनाया और एक अल्कोहल के साथ और एक जनरलाइज कर दिया। अब इस रिएक्शन का सबसे खास बात, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक मार रहा है, तो जिस पे अटैक मारेगा यानी आरएक्स पे अटैक मार रहा, आरएक्स बल्कि नहीं होना चाहिए। इथर बनाना है तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आरएक्स वाला पार्ट, आरएक्स आरएक्स शुड नॉट बी बल्कि, आरएक्स ये बल्कि होता है तो चलता है, आरएक्स को बल्कि नहीं होना चाहिए। जो अटैक कर रहा है उसका बल्किनेस चलता है, लेकिन जिस पे अटैक होगा उसका बल्किनेस नहीं होना चाहिए, जिस पे अटैक होगा उसका बल्किनेस नहीं होना चाहिए। ये बल्कि चलता है, ये बल्कि नहीं चलता है।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर इफ हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ आर एक्स विल बल्की देन व्हाट हैपन, देन व्हाट हैपन। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा भी है और दो रिएक्शन करवा के और उसका एक एग्जांपल करवा के समझाया भी है। तुम विलियमसन सिंथेसिस में एनसीईआरटी में देखोगे तो ये दो रिएक्शन और एक इसके ऊपर क्वेश्चन बना के बताया। मैं इसको इलेबरेट कर दे रहा हूँ तो ध्यान से इसको देखना, क्योंकि दिस वन इज इम्पोर्टेंट और रेफरेंस एनसीईआरटी मान के चलना है। ये राइट डाउन हो गया, सबने राइट डाउन कर लिए, तो ध्यान सब सुनना कि हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमने तो बोल दिया कि आर एक्स बल्कि नहीं होगा। आर एक्स बल्कि नहीं होगा तो एस एन टू फॉलो होता है। अगर बल्कि हो गया तो क्या होगा, तो उसका हम एंसर कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। इस एग्जांपल में हमने ले लिया सी, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, सी एच थ्री, और यहां हमने ओ एन ए ले लिया, यानी सोडियम एल्कोऑक्साइड, यही हमने डायरेक्ट ले लिया, हमने अल्कोहल से एनओएच का रिएक्शन करके नहीं किया, डायरेक्ट बनाया, तो ये सोडियम एल्कोऑक्साइड हो गया। अब इस रिएक्शन में यहां पर जो रिएक्शन दिया हुआ है सी एच थ्री और बी आर दिया हुआ है, तो आर एक्स ये तो बल्कि नहीं है, नहीं है ना। अब क्या होगा यहां पे, यहां है पार्शियल पॉजिटिव और यहां है पार्शियल निगेटिव, ये जो पार्ट है ओ माइनस वाला पार्ट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल इस पार्ट पे क्या करेगा, अटैक मारेगा और धीरे धीरे ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा। ये धीरे धीरे ब्रोमीन का बॉन्ड क्या होता जाएगा, टूटता चला जाएगा और ये वाला पार्ट इससे जुड़ जाएगा। तो ये आर एक्स इज नॉट बल्कि, यहां आर एक्स जो है बल्कि नहीं है, तो आराम से न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक मारा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल देंगे, क्योंकि ब्रोमीन को हटा दे रहा है और खुद जुड़ जा रहा है। तो ये वाला पार्ट अगर जुड़ेगा तो यहां पर ओ माइनस है और यहां सी एच थ्री, सी एच थ्री और सी एच थ्री, इस पर ये जुड़ जाएगा और ब्रोमीन इससे बाहर निकल जाएगा और यहां पर हमें इथर का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हियर ये जो एल्कोऑक्साइड वाला पार्ट है, तो एल्कोऑक्साइड एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब ध्यान देना, अब रिएक्शन हम चेंज कर रहे हैं, ये जो ओ एन ए वाला पार्ट है इसके साथ लगा दे रहा हूं और ब्रोमीन इसके साथ लगा दे रहा हूं, क्योंकि आर एक्स बल्कि नहीं होना चाहिए, बल्कि हो गया तो क्या होगा, तो हम बल्किनेस अब बना रहे हैं उसको, अब बना के देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो ये वाला पार्ट मैं ऐसा ही लिख दे रहा हूं, केवल यहां पर ये वाला पार्ट हटा के ब्रोमीन लिख दे रहा हूं, ताकि आर एक्स हमारा क्या बन गया, बल्कि बन गया। तो ये हमारा बल्कि बन गया और ये पार्ट इसके यानी मिथोक्साइड बना दे रहे हैं मैं, तो सी एस थ्री ओ एन ए हमने बना दिया। अब सी एस थ्री ओ एन ए बना दिया, यहां माइनस है और यहां पर प्लस है, तो हमारे को क्या सोचना है कि दिस वन इज ए पार्ट ऑफ, ये क्या है, आर एक्स नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पे क्या करेगा, अटैक मारेगा। अब ये ग्रुप जो है ये बल्कि ग्रुप है और ये टेट्राहेड्रल है, sp3 है, तो ये इसको अप्रोच करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसको एंट्री कहीं से मिलेगा नहीं, ये कहीं से इसके पास आने की कोशिश करेगा लेकिन बल्किनेस होने की वजह से ये इसमें एंट्री कर नहीं पाएगा, ये मत सोचना कि ऊपर से आ जाएगा, ये टेट्राहेड्रल है, तो इसका इस न्यूक्लियोफाइल का एंट्री इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम जब आर एक्स को बल्कि लेते हैं तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है इस पे अटैक नहीं कर पाता है,
इसीलिए आरएक्स को बल्किनेस नहीं लिया जाता है। तो हमारे दिमाग में आएगा कि मान लेते हैं बल्किनेस के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ब्रोमीन हटा देंगे और उसके जगह पे क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे एनसीईआरटी में ऐसा एक बना के दिया भी है, और लेकिन उसमें लिखा है ये ब्रोमीन को बॉन्ड तोड़ दिया है और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया है, यानी ये हमने रिएक्शन करवा दिया, ये हमने क्या करवा दिया, रिएक्शन करवा दिया, लेकिन एनसीईआरटी में लिख के दिया है दिस इज नॉट ए एप्रोप्रिएट, क्वेश्चन में दिया है एग्जाम्पल में दिस इज नॉट ए एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट, नॉट ए एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट, हो सकता है कि माइनर में बन जाए लेकिन ये एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, तो फिर होगा क्या। तो ये तो चीज समझ में आ गई कि आरएक्स बल्कि नहीं होना चाहिए, अगर बल्कि होता है तो एक ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ये हमने करवा दिया और करवा के फिर ये भी बोल दिया कि ये प्रोडक्ट क्या है एप्रोप्रिएट नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो होगा ये कि ये जो न्यूक्लियोफाइल हम जो बोल रहे हैं कि बार बार न्यूक्लियोफाइल है, तो जब हमने न्यूक्लियोफाइल बताया था तो ये भी बताया था कि एक न्यूक्लियोफाइल एक बेस की तरह भी काम करता है, और ये बहुत अच्छा खासा बेस है, ये बहुत ही अच्छा बेस है, क्योंकि बेस और न्यूक्लियोफाइल में बस डिफरेंस इतना ही होता है कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक मारता है और बेस एच प्लस को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी है और एज ए बेस भी है, जब ये इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक मारता तो न्यूक्लियोफाइल कहलाता और जब ये एच प्लस को खींच के लाता तो ये बेस कहलाएगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के जैसा रिएक्शन करवा के तो देख लिया हमने और ये भी बोल दिया कि ये एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट नहीं है, तो हम एज ए बेस अटैक करवाएंगे, तो जब बेस अटैक करवाएंगे तो यहां से ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो हम यहां से जो रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं वो एज ए बेस कर रहे हैं, तो जैसे एज ए बेस करेंगे तो ये रिएक्शन में यहां पर CH3 CH2 और यहां हो जाएगा CH2-, एक हाइड्रोजन को इसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया एज ए बेस। अब यहां पर ब्रोमीन है तो ब्रोमीन अपना धीरे धीरे बॉन्ड तोड़ के जाने लगेगा और यहां प्लस क्रिएट कर देगा, माइनस लेके जाएगा, इस प्लस और इस माइनस में एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहां पर हम ईथर नहीं बना के क्या बना दिए, एल्कीन बना दिया हमने, तो यहां पर हमें एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। तो इस चीज को एनसीईआरटी में लिख के दिया भी है कि एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, तो एल्कीन बनेगा। तो हमारा अब रिजल्ट दिख गया कि अगर आरएक्स बल्कि हुआ तो ये न्यूक्लियोफाइल, इसका बल्कनेस से कोई लेना देना नहीं, इसके बल्कनेस से जो सोचना है इसके बल्कनेस चाहिए, क्योंकि इसको इस पर अटैक करना है, इसके बल्कनेस से हमें कोई लेना देना नहीं। तो इसका मतलब अगर ये बल्कि है आरएक्स पार्ट तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल नहीं करेगा, एज ए स्ट्रॉन्ग बेस करेगा, और उस केस में ईथर नहीं बन के क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। समझ में आ गया, अगर बल्कि नहीं है तो ईथर बन रहा है, इस केस में बल्कि नहीं है और इस केस में हियर आरएक्स इज बल्कि। तो बल्किनेस होगा तो दिस वन इज एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट, दिस वन इज एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन एनसीईआरटी में तीसरा दिया हुआ है तो ध्यान से देखना, जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि ठीक है ये तो एल्कीन बन गया, ये हमारा एल्कीन तैयार हो गया, तो अगर ये एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट नहीं है तो इस एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट डिजायर हमें चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, इसको यहां लाएंगे, मतलब इसको यहां लेके जाएंगे, इसको बल्कि बना देंगे और इसको लेस बल्कि बना देंगे और हमारा एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट मिल गया। तो यहां पर प्रोडक्ट दोनों ये एप्रोप्रिएट नहीं है, बल्किनेस समाप्त होने से देखो प्रोडक्ट ही चेंज हो गया, ये एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट नहीं है लेकिन हमें डिजायर प्रोडक्ट यही चाहिए, तो आरएक्स को क्या करना पड़ेगा, लेस बल्कि, और इसको ज्यादा बल्कि करते तो चलता है,
तो अगर ये ज्यादा बल्की है तो क्या प्रोडक्ट बना देगा, एल्कीन तैयार कर देगा। ये समझ में आ गया होगा, इसको राइट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, लिख लिए ना। तो एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो पहले मैं एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन लिखने के पहले ओएमडीएम बता रहा हूं, मतलब थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो इसमें क्या दिया जाता था, एल्कीन। तो यहां पर एग्जांपल के साथ समझते हैं, एल्कीन दिया जाता था। इस एल्कीन पे रिएक्शन तुम लोग को याद होगा, मर्क्यूरी और एसीटेट होल ट्वाइस, और यहाँ THF लिया जाता था, और सेकेंड में H2O2, और यहाँ दिया जाता था OH-। तो दिस वन इज कॉल्ड OMDM, और OMDM में हमने क्या सिखाया था कि इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है, और जहां पर हायर डिग्री है वहां पर OH लगा देना है सिंपली, यानी मार्कोनी के रूल को फॉलो करता है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, और अल्कोहल बनाने का ये बेस्ट भी तरीका है। तो दिस वन इज कॉल्ड OMDM। अब यहां हम पढ़ रहे हैं एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो CH3 और यहां CH और यहां CH2। अब यहां पर थोड़ा सा बस हम रिएजेंट चेंज कर देंगे, क्या लेंगे यहां रिएजेंट, यहां हाँ OH की जगह OR लेंगे, तो मर्क्यूरी यहां लेंगे H2O2, और यहां OR- लेंगे, यानी ROH लेंगे और यहां H2O लेंगे, यहां अल्कोहल लेंगे ROH-, तो यहां H की जगह R आ गया, इसलिए नाम इसका चेंज हो जाएगा एल्कोक्सी। दिस वन इज कॉल्ड एल्कोक्सी, इसे OCH3 है, तो दिस वन इज कॉल्ड मिथॉक्सी, इसलिए नाम पड़ा हुआ है मिथॉक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बात रहा मैकेनिज्म का, मैकेनिज्म ऑलरेडी बताया हुआ है OCH3। देखो ये इथर बन गया, दिस विल फॉर्म इथर, ये O है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, तो एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन फॉर्म इथर। तो ये हम OR कैसे जोड़े, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। ये हमने मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग जोड़ दिया। दो हमने अल्कोहल से बनाया, एक अल्कोहल से H2SO4 के द्वारा और एक अल्कोहल से विलियमसन के द्वारा। ये हमने एल्कीन से बनाया, एल्कीन से इथर बना दिया हमने। अब नेक्स्ट एक और एल्कीन से देखते हैं, तो फोर्थ वन लिखना, बाय द एडिशन ऑफ अल्कोहल ऑन एल्कीन, बाय द एडिशन ऑफ अल्कोहल ऑन एल्कीन, by the addition of alcohol on alkene। ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी कराया भी है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, by the addition of alcohol on alkene। तो एग्जाम्पल लेके समझते हैं, CH3CH double bond CH2, ये हमने एल्कीन ले लिया, और यहां पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं C2H5OH इथेनॉल के साथ, और यहां पर एसिडिक मीडियम ले लिया हमने H2SO4।
तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इस पे कौन पहला अटैक मारेगा? एच प्लस इस बॉन्ड को तोड़ देगा, तोड़ेगा तो क्या होगा? सी एच थ्री सी एच, और यहां क्या लग जाएगा? यहां एच लग जाएगा, और यहां क्या क्रिएट हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। तो यहां से हम अब क्या कर सकते हैं? तो या तो डायरेक्ट अटैक करवा दो, या सी टू एच फाइव ओ माइनस का, या इसको अटैक करा के फिर एच निकाल सकते हैं। सी टू एच फाइव ओ माइनस, क्योंकि ये अल्कोहल है ना, तो क्या होगा? एसिडिक है ये, तो एच यहां क्या जुड़ जाएगा? तो यहां इथर बन गया, ओ सी और सी। ये फोर्थ वन तरीका हुआ। तो एक हुआ एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन से, और एक हुआ हमारा एल्गिन के ऊपर अल्कोहल का। नेक्स्ट लिखेंगे फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो इसमें लिखेंगे, हमने मान लो मिथॉक्सी क्लोरोमीथेन लिया हमने, सी एस थ्री ओ सी एस थ्री सी एल, मिथॉक्सी क्लोरोमीथेन, मिथॉक्सी क्लोरोमीथेन। अब इसके ऊपर हम रिएक्शन करवाते हैं सी एस थ्री एम जी, सी एस थ्री एम जी बी आर, ये है आर एम जी एक्स ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये माइनस होगा। सिंपल, ये रिएक्शन सिंपल है। अब ये क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव होगा, ए पार्शियल, ये इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा, और एक कुछ ज्यादा ही पार्शियल नेगेटिव है, यहां नहीं करेगा क्योंकि इधर दोनों मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लगा हुआ था। दिस कार्बन विल बी मोर पार्शियल पॉजिटिव एज कंपेयर टू दिस कार्बन, तो यहां ये लगेगा और ये सिस्टम से बाहर चला जाएगा। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट में इलेक्ट्रोफाइल कौन मिला? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कौन मिला? सी एच थ्री माइनस, इस पर अटैक मारेगा, क्लोरीन बाहर जाएगा, तो यहां हो जाएगा सी एस थ्री ओ सी एस टू, और ये हो जाएगा सी एस। एक चीज यहां पर ध्यान देना, सी एस टू होगा। तो ये हमारा इथर बन गया, एक कार्बन ज्यादा ही अटैच हो गया, एक कार्बन ज्यादा ही अटैच हो गया। अब नेक्स्ट लिखना है, एक लास्ट है, रिएक्शन विल, रिएक्शन विथ एल्काइल हैलाइड, रिएक्शन विथ एल्काइल हैलाइड विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, रिएक्शन विथ एल्काइल हैलाइड विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। इसमें लिखना, व्हेन एल्काइल हैलाइड इज हीटेड, व्हेन एल्काइल हैलाइड इज हीटेड, व्हेन एल्काइल हैलाइड इज हीटेड ओवर सिल्वर ऑक्साइड, व्हेन एल्काइल हैलाइड इज हीटेड ओवर सिल्वर ऑक्साइड, देन इट फॉर्म सिमेट्रिक इथर, देन इट फॉर्म सिमेट्रिक इथर। इसको डायरेक्ट याद रखना है, इसका दो यूनिट लिया जाता है और यही दो यूनिट में से
कंबाइंड हो जाता है, इसका टू यूनिट लिया जाएगा। तो Ag2O डायरेक्ट इसको याद रखना है सिल्वर ऑक्साइड से। तो ये रिएक्शन हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अब हेडिंग डालना केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हेडिंग डालना केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो इस केमिकल प्रॉपर्टीज में खासकर एनसीईआरटी में जो सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो रिएक्शन आरएक्स का, जिसमें एचआई यानी हाइड्रोजन आयोडाइड, इसका रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछता है और ये हाईली इंपॉर्टेंट है और इसका एनसीईआरटी में डिस्कशन बहुत ज्यादा है एचआई का। तो अगर हम एनसीईआरटी के अनुसार से देखें तो एचआई वाला रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इथर में एक लियनसन सिंथेसिस और एक एचआई का रिएक्शन और एक इपोक्साइड का रिएक्शन। हालांकि इपोक्साइड वाला रिएक्शन एनसीईआरटी में यहां नहीं है, दूसरी जगह है। तो ये दो रिएक्शन बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर ये पूछा जाता है और इस साल नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो बता दूंगा एनिसोल का रिएक्शन एचआई के साथ आया था, देखना उसमें है इस बार एनिसोल रिएक्ट विद एचआई। तो एक इथर है, हाँ, तो इस बार एनिसोल का रिएक्शन एचआई के साथ ही था, तो इसी चैप्टर से उठाया हुआ क्वेश्चन, मतलब एचआई वाला रिएक्शन हाईली इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डालना केमिकल रिएक्शन में पहला लिखना एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड, एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड तो हैलोजन एसिड में ज्यादा एचआई वाला पूछता है, तो पहले मैं इसका प्रोसीजर बता दे रहा हूं क्या होगा। तो पहला है अगर आर ओ आर आर है और इसका रिएक्शन मैं अमाइन एचआई डायरेक्ट ले रहा हूं, हम एच और एक्स भी ले सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, सिंपल ये है, इस बॉन्ड को तोड़ना है और इसके पास एच प्लस लगा देना है और इसको आयोडीन माइनस लिख देना है। तो इसमें जो सिंपली होगा आर ओ एस तैयार हो जाएगा और आर आई तैयार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा अलग अलग, ये आर ओ आर है और यहां एच आई एक्सेस में दे देगा, तो हम क्या करेंगे इसको तोड़ देंगे और यहां ऑक्सीजन को एच प्लस और आर को आर माइनस दे देंगे। तो यहां हो जाएगा आर ओ एच और यहां हो जाएगा आर आई हो जाएगा, लेकिन ये क्या है एक्सेस में, ये रिएक्शन में फिर से प्रोसीड हो जाएगा और इस आर ओ एच को आर आई में कन्वर्ट कर देगा, यानी दो यूनिट आर आई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो देखने को हमें क्या मिला कि एक एक्सेस में और एक एक्सेस में नहीं है, तो क्या चेंजेज आया, ये आर एच भी क्या हो जाएगा आर आई में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अब डाउट यहां से हम ले सकते हैं कैसे, अगर R है और O है और R डैश है, ये तो दोनों हम सिमेट्रिक बोल रहे थे, अगर अनसिमेट्रिक है तो अगर हम रिएक्शन करवाए तो हमारे को यहां से दो चीजें मिल सकते हैं। अगर मैं इसको R O R डैश को, या तो मैं इसको H प्लस दे दूं और इसको आयोडीन दे दूं, तो यहां से जो बनेगा ओ ये बनेगा कि आर ओ एच, आर ओ एच और यहां क्या बनेगा आर डैश आयोडीन बनेगा। तो क्या मैं इसको नहीं दे सकता हूं एच प्लस और आयोडीन, तो हमारे पास दो दो पॉसिबिलिटी हो गया, यहां से भी तोड़ दे और यहां से भी तोड़ दे, कोई एक ही सही है इसमें,
और यही हमें आर्गुमेंट करके सही करना है, तो यही इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि हम बॉन्ड कहाँ से तोड़े, क्योंकि तोड़ना तो हमने बोल दिया कि तोड़ के लगा दो, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही हो जाता है कि बॉन्ड यहाँ से तोड़े, यही बात एनिसोल में आ जाता है कि हम बॉन्ड कहाँ से तोड़े, तो यहाँ से तोड़े या यहाँ से तोड़े। तो अगर हम तोड़ते हैं तो यहाँ से तोड़ेंगे तो आर आई बनेगा, और यहाँ बनेंगे तो आर डैश ओ एच बनेगा। देखो प्रोडक्ट अलग अलग आ गया जबकि रिएक्शन एक ही था, इसमें से कोई दोनों में से कोई एक ही सही होगा, तो वो डिपेंड करेगा कि ये आर और आर डैश कैसा है। बात रहा एक्सेस का इस केस में, तो एक्सेस देगा तो आर ओ एच को आर आई बना देंगे, मतलब एक्सेस में कोई प्रॉब्लम नहीं इस केस में। तो बात यह है कि इसमें बॉन्ड का मैकेनिज्म कैसे हम चेक करें। अब वही है इस बार का नीट का क्वेश्चन यही था कि यहां एनिसोल दे रखा था, यहां पर ओ था और यहां सी एच थ्री था, और यहां रिएक्शन करवाया था एच आई का। अब यहां पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, और ऑप्शन में क्या दे रखा था, तो दो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मैं यहां पर इस एनिसोल को, इस बार का नीट का क्वेश्चन है, यहां पर मैं यहां बॉन्ड तोड़ू तो इसको एच प्लस दे दू और इसको आयोडीन माइनस दे दू, तो ऑप्शन में यहां पर मैं फिनॉल बना दू और यहां पर सी एच थ्री आई बना दू। अगर मैं यहां से तोड़ू तो यहां पर क्या दे दे, इसको एच प्लस दे दू और इसको, क्योंकि ओ को एच प्लस देंगे, तो यहां ये क्या बन गया आइडोबेंजीन, और यहां क्या बन जाएगा सी एच थ्री ओ एच। ऑप्शन में भी लिखा था, ऑप्शन में भी लिखा था। अब यही आर्गुमेंट करके हमें सही करना है कि कौन सही है। तो समझ में आया क्या क्या इसमें पढ़ना है हमें, मतलब एच आई का रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कुल मिला के लॉजिक है, तो लॉजिक कहां काम करना है, समझ में आया कहां तोड़ना है हमें बॉन्ड को, वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो इस बॉन्ड को कहां तोड़े, यहां तोड़े या यहां तोड़े, क्योंकि दोनों जगह तोड़ेंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर हम यहां तोड़ेंगे, उसका लॉजिक मैं बता रहा हूं अभी, तो ये आंसर राइट है, ये गलत है। तो कहने का मतलब क्यों गलत है वो बताऊंगा आगे, बट आर्गुमेंट या लॉजिक कैसे लगाना है वो इंपॉर्टेंट है कि इसमें लॉजिकल कैसे बातें करेंगे। तो लॉजिकल यहां तोड़े कि यहां तोड़े, यही इसके लिए इंपॉर्टेंट है। सिविलियंसन से जिसमें आर एक्स का स्टेरिक इंटरेंस कम होना चाहिए, उसी तरह से इसमें जो ईथर में लॉजिक ये है कि हम बॉन्ड कहाँ से तोड़े, यहाँ से तोड़े, यहाँ से तोड़े कि यहाँ से तोड़े। अगर सिमेट्रिक है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर अनसिमेट्रिक है, और ये अनसिमेट्रिक है, ऑक्सीजन के एक तरफ लगा हुआ है सी एच थ्री और एक तरफ लगा हुआ है फिनाइल, तो जहाँ अनसिमेट्रिक है वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जहाँ सिमेट्रिक है वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अनसिमेट्रिक में वहां फर्क भी नहीं पड़ेगा जब ये एच आई क्या दे देगा, एक्सेस में दे देगा। अगर ये एक्सेस में होता तो ये ओ एच को हटाते और वहां आयोडीन लगा देते हैं, समझ में आया क्या। तो एक्सेस वाला तो कोई प्रॉब्लम है नहीं और सिमेट्रिक वाला कोई प्रॉब्लम है नहीं, कहां प्रॉब्लम है असिमेट्रिक में। तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, तो इसको लिख लो, नेक्स्ट क्लास में इसका मैकेनिज्म बताते हैं, वही SN2 ही होगा, हाँ लेस एस्टेरिक प्रोटैक मारता है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसका मैकेनिज्म पढ़ा के क्वेश्चन बनवाएंगे। इसको लिख लो कि कहाँ पर ये आर्गुमेंट, मतलब कैसे हम बनाए, कहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। समझ में आ गया ना, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका मैकेनिज्म बता देंगे और उसी पर हम चीजें समझ में आ जाएगा कि असिमेट्रिक में कहाँ से हम तोड़े। तो मेनली इसमें SN2 फॉलो होता है, लेस स्टेरिक से तोड़ा जाता है, अगर ज्यादा स्टेबिलिटी है तो वहां से तोड़ेंगे। तो देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन। कोई डाउट है तो बोलो।